टाइम्स में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकली है, 20,000 से ज्यादा। तो ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है या कैसे कैसे है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो IBPS अपना कैलेंडर निकालता है 2023 के लिए, वो अपना कैलेंडर निकाल चुका है कि 2023 में वो कब कब एग्जाम लेने वाला है। तो ये पूरा फिक्स डेट है जो निकल चुका है। तो एक RRB का निकला है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कोई कितने रीजनल रूरल बैंक का जाता है। एक कहता है PSB, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये दो तरह का बैंक है, दोनों ने अपना एग्जाम डेट निकाल दिया कि कब वो प्री एग्जाम लेंगे, कब वो मेन एग्जाम लेंगे। और कम से कम 20,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली है। कितनी? 20,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलेगी, ये भी उन लोगों ने लिखा है, 20,000 प्लस वैकेंसी। तो जो भी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, जंप की तैयारी कीजिए, ताकि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी निकल रही है, आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। जो प्री एग्जाम होगा RRB का, तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, वे कब होगा? आपका 5 अगस्त को होगा, 6 अगस्त को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को और 19 अगस्त को। तो उनके लिए ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए मेंस भी होगा। तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस होगा, वो मेंस कब होगा? देखिए, ऑफिस असिस्टेंट का मेंस होगा आपका, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 16/7/2023 को, और उसी तरह यहाँ पर 16/9/2023 को, सॉरी, ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस होगा आपका 16/9/2023 को, ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। और ऑफिसर स्केल 1 का जो होगा वह आपका 10/9/2023 को होगा। उसी तरह आपका जो सिंगल एग्जाम, देखिए, जो ऑफिसर स्केल 2 और 3, इसके लिए क्या होगा, सिंगल एग्जाम होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। तो वे कब होगा? 10/9/2023 को। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम प्री इतना दिन को होगा मेन, तो आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो नोटिफिकेशन, जैसे कि ये बोले अगस्त में एग्जाम होगा, तो एक महीना पहले नोटिफिकेशन निकलेगा। तो एक महीना पहले इससे नोटिफिकेशन निकलेगा, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है। अब आपका आता है PSB जो है, ये 13th वाला वैकेंसी निकाल रहा है। तो इसका जो प्री एग्जाम होगा, देखिए, क्लर्क का अगस्त में होगा, ठीक है, PO का सितंबर में, और ये क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें कि MCOM या स्पेशल डिग्री, जैसे एग्रीकल्चर में डिग्री, लॉ में डिग्री, इसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, जिसका 30 दिसंबर को होगा प्री और 31 दिसंबर को। ये दो डेट दिया जा रहा है, किसी एग्जाम को एक सिंगल डे में लिया जाता है, किसी एग्जाम को दो दिन लगता है। फिर आपका जो है मेंस, इसका जो क्लर्क का मेंस होगा 7 दिसंबर को होगा, और PO का मेंस 5 नवंबर को, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो मेंस होगा वो 28 जनवरी 2024 में होगा। इस तरह से ये जो 20,000 वैकेंसी था, इसका हम वर्णन दे चुके हैं कि कैसे कैसे कौन कौन एग्जाम होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, देखिए, जो क्लर्क और PO का वैकेंसी निकलेगा ना, यहाँ पर अगस्त दिया हुआ है ना, तो एक दो महीना पहले निकलेगा प्री एग्जाम से, 1-1.5 महीना पहले। तो आप लोग अपना बैंकिंग का तैयारी अच्छा से कीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।